आज कोरोना वायरस से पूरी दुनिया का हाल बेहाल है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ चीन को ही माना जा रहा है। चीन ने कोरोना को लेकर बहुत सी बातों को सभी देशों से छिपाया है, जिसका परिणाम सभी देशों को अब भुगतना पड़ रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन 5 ऐसे देश हैं जिन्हें वीटो पावर का दर्जा है। इसी वीटो पावर के दम पर चीन पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। इस वीटो पावर के दम पर ही चीन महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन अमेरिका उसके इस ख्वाब को कभी पूरा नहीं होने देगा। अमेरिका, रूस और फ्रांस ने भारत को वीटो पावर देने की मांग तक कर डाली है। रूस तो भारत को काफ़ी पहले से ही वीटो पावर दिलाना चाहता है। उसने कई मौके पर ये मांग की है कि भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन बाकी देशों का समर्थन नहीं मिलने के कारण आज तक भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाई है। लेकिन पीएम मोदी की विदेश नीति और अमेरिका का समर्थन इस बात का इशारा कर रहा है कि भारत को बहुत जल्द वीटो पावर मिल सकती है। तो वहीं कोरोना के कारण अमेरिका चीन को सबक भी सिखाना चाहता है। उसने दुनिया के सभी देशों को इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका का इरादा साफ है कि चीन से वीटो पावर छीनकर भारत को दे दी जाए और चीन को कमज़ोर बनाया जाए। अमेरिका ने चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की भी योजना बना ली है। उसने अपने देश की कंपनियों को कहा है कि वो चीन छोड़कर भारत में चली जाएं। इससे चीन की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि जांच में जिस देश को भी कोरोना का कारण माना जाएगा, उसे इसके लिए कड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर चीन कोरोना फैलाने का दोषी पाया गया तो उसकी वीटो पावर भी छिन सकती है।